हेलो एवरीबॉडी हाउ आर यू ऑल आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़ सो मैं ग्रेडअप की मॉक से रही थी आर असिस्टेंट मैनेजर के आज मैंने प्रैक्टिस मॉक का मॉक नंबर फर्स्ट दिया है जो कि फ्री है आप सब लोग भी आई थिंक फर्स्ट मॉक को फ्री होता है आप चेक कर लीजिएगा ठीक है अगर अवेलेबल होता है तो आप लोग जरूर कीजिएगा एंड अपने स्कोर्स भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा मैंने अटेम किया था सो लेट सी द स्कोर्स तो so, इस मॉक में मेरा स्कोर जो रहा है 91.25 एंड माय रैंक इज़ 239 थर्टी नाइन एंड परसेंटाइल इज नाइन्टी पॉइंट बहुत ख़राब हो गई मेरी 78 परसेंट ही है एंड जी सेक्शन एंड इंग्लिश और कॉन्ट में थोड़ा सा नहीं कॉन्ट में एक्यूरेसी नहीं बट अटेम्प कम रह गए हैं एंड इंग्लिश सेक्शन में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई इस वजह से मार्क्स बहुत कम आए हैं एंड रीजनिंग सेक्शन में आई गॉट थर्टी नाइन पॉइंट टू फाइव मार्क्स एंड परसेंटाइल इज इंडिविजुअल परसेंटाइल है ये नाइन्टी टू पॉइंट वन सेवन एंड इन कॉन्क्शन आई थिंक दिस इज कॉन नो दिस इज इंग्लिश या इन इंग्लिश आई गॉट 14.5 पॉइंट फाइव मार्क्स एंडसेंटाइल इज एट्टी वन पॉइंट फोर नाइन इन कॉन सेक्शन आई गॉट 14.75 पॉइंट सेवन फाइव मार्क्स एंड परसेंटाइल इज एट्टी सिक्स एंड एन जी ए आई गॉट ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन फाइव मार्क्स एंडसेंटाइल इज एट्टी वन पॉइंट टू फाइव सो वही ओवरऑल जो परसेंटाइल बना है नाइन्टी पॉइंट थ्री परसेंट सो ये ओवरऑल मार्क्स रहे हैं एंड जो टाइमिंग मैंने ली है रीजनिंग के लिए काफ़ी टाइम वन आवर आप बोल सकते हो सिक्सटी वन मिनट है एंड इंग्लिश को मैंने नाइन्टीन मिनट दिया है ठीक है एंड कौन को भी नाइन्टीन मिनट जनरल नवेज में मैंने सेवनटीन मिनट दिया है ठीक है एंड सभी को पता है कि प्रैक्टिस मॉक की जो रीजनिंग होती है रीजनिंग एंड कौन वगैरह काफ़ी लेंदी कैलकुलेटिव तो, एंड मतलब डिफ़िकल्ट होती है काफ़ी ठीक है ईजिली टैकल नहीं होती है तो इसी वजह से एंड जो हमारा रीजनिंग सेक्शन है आईडीबीआई में उसमें सिर्फ रीजनिंग ना होकर कहीं उसमें हमारा अकाउंट का जो डीआई पोर्शन है डेटा इंटरप्रिटेशन वो भी इंक्लूडेड है सिर्फ रीजनिंग का नहीं था एंड कौन सेक्शन में जो हमारा अलग से है वो जिन लोगों ने टेस्ट दिया होगा ठीक है तो उन्हें पता होगा ठीक है क्या सेक्शन है क्या क्या रहता है क्राइटेरिया एंड रही बात जो मैंने लास्ट मॉक टेस्ट अपलोड किया था डी बी का जिस मेरे मार्क्स काउंट में बहुत कम थे एलेवन पॉइंट समथिंग थे ठीक है तो मैंने रीज़न भी बताया था कि मेरे मार्क्स इतने कम क्यों रह गए थे क्योंकि मैंने क्वेश्चन वो किए ही नहीं थे लाइक सिम्प्लीफिकेशन वगैरह एंड कॉर्डर के क्वेश्चन मैंने सब स्किप कर दिया था ठीक है क्योंकि एग्जाम में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए होंगे ईजी रहेंगे ठीक है एक प्रैक्टिस अगर हम चाहें मोकटे से ही कर सकते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं बाकी वहाँ एग्जाम में तो हम वही क्वेश्चन मतलब सेलेक्टिव हमारी अप्रोच रहती ना कि हम उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे जो हमसे बन जाए इस वजह से मैंने उन क्वेश्चन को स्किप कर दिया था एंड टाइम भी नहीं था इस वजह से वो हो गया था मैंने ये चीज़ बताई भी थी तो ये चीज़ था आ रही बात सेक्शनल कट ऑफ है हमारी आई में तो हमें सबको ये ध्यान रखना है कि हमें सेक्शनल कट ऑफ मतलब क्लियर होनी ही चाहिए एंड एक मैक्सिमम कट ऑफ अगर लेके चलो सेक्शनल uh, सबकी तो आप मैक्सिमम ट्वेंटी मान सकते हो एंड जो मिनिमम है फिफ्टीन टू सिक्सटीन ठीक है तो उतना तो हमें करना ही करना है हर सेक्शन से हमें उतने मार्क्स गेन करने ही करने हैं राइट जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी आई थिंक रीजनिंग थोड़ा हमारा ईजी रहता सारे उससे लेवल से तो ट्वेंटी थी आई थिंक एंड देन कौन सेक्शन एलेवन पॉइंट समथिंग ही थी एंड इंग्लिश uh, में सिक्सटीन फिफ्टीन सिक्सटीन ऐसे रही थी एंड जनरल अवेयरनेस में जो थी कट ऑफ थर्टीन के अप्रॉक्स थी ठीक है जो भी हमारा आईडीआई uh, का पेपर हुआ था टू थाउजेंड में ठीक है मैं उसकी बात कर रही हूँ एंड uh, तो ये ओवरऑल कट ऑफ रही थी तो हमें उसी अप्रोच के साथ रखना कि जो हमारी मैक्सिमम कट ऑफ बन सकती है मैक्सिमम जो मार्क्स हो सकते हैं हमारे तो इतने हमें अचीव करने ही करने हैं रियल एग्जामिनेशन में ठीक है बाकी लेवल तो आप सबको पता ही प्रैक्टिस मौका कैसा रहता है उस वजह से मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की थी बट स्टिल मेरी एक्रेसी अच्छी नहीं है इंग्लिश में थोड़ा सा लैक कर गया एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन बाकी कॉन्ट में जो जितने क्वेश्चन डुएबल थे मुझे लगे वो मैंने अटैम्प्ट किए हैं ठीक है मैंने सेवनटी क्वेश्चन सिक्सटीन क्वेश्चन किए थे उसमें से एक रॉन्ग हो गया मेरा ठीक है जो मुझसे बन पाए जितने क्वेश्चन मुझे मतलब मैथ में कॉन्ट सेक्शन में मुझे जो क्वेश्चन डुएबल थे मैंने किए हैं बाकी यही ओवरऑल मेरा मार्क्स रहा है आप लोग भी कीजिएगा एंड अपने मार्क्स जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में एंड यस yes, आप लोगों को भी uh, जो भी सजेशन दिया दे देना हो ठीक है मॉकटेस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप दे सकते हो उससे ठीक है मुझे भी मैं भी यहाँ सीख ही रही हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा ठीक है इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं आप लोगों को जो सजेशन सही लगता है मेरे लिए प्लीज़ सजेस्ट किया करिए ठीक है चाहे वो मोकटस से रिलेटेड हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो ठीक है इसमें कोई माइंड करने वाली कोई बात नहीं काफ़ी लोगों ने मतलब सजेस्ट किया था एंड बोला भी था सो थैंक यू थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल अबाउट इट एवरी थैंक यू